हेलो फ्रेंड्स, हमारे जो टॉपिक चल रहा था इंटेलिजेंस का, ये हमारी लास्ट थ्योरी है उसके अंदर। तो इससे पहले वाली जितनी सारी थ्योरीज हैं आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। हमारे जो फैक्टर्स दिए गए थे, सारी थ्योरीज दी गई थी, वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट थ्योरी है, इसमें बुद्धि का त्रिचाप्य सिद्धांत यानी कि टेरिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, इसके अंदर ये फर्स्टली किसने दी थी, पहले दो, सबसे पहले ये स्टर्नबर्न ने दी थी, रॉबर्ट स्टर्नबर्न। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, ठीक है। इसके प्रतिपादक, इस बुद्धि सिद्धांत के जो थ्योरी है हमारी लास्ट, इसके प्रतिपादक हमारे स्टर्नबर्ग थे। इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है या आईक्यू लेवल है, वो इस रूप में विकसित होना चाहिए कि बच्चा अपने पर्यावरण के साथ समायोजन करके, यानी कि एडजस्टमेंट करके, अपनी सोशल लाइफ के थ्रू और अपनी सोसाइटी में एडजस्ट कर सके। मतलब बच्चे को, अगर आप कोई भी चीज़ हम पढ़ाते हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ या बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए, वो आप क्यों भेजते हैं? इसीलिए भेजते हैं ना, क्योंकि वो एक सोशल नीड है हमारी। अगर वो सोशल नीड नहीं होगी या अपनी पर्सनल नीड नहीं होगी तो किसी को क्या पढ़ने की ज़रूरत है? क्योंकि सोशल नीड क्यों है? अगर आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आपका करियर सेट नहीं होगा, तो वो आप जो अपनी सोशल लाइफ है, अपनी जहाँ जो हमारा समाज है जिसमें हम रहते हैं, वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम जब अपनी शिक्षा स्टार्ट करते हैं, एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, वो सबसे पहले हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं, अपने पर्यावरण से जुड़कर स्टार्ट करते हैं, जो हमारी सोसाइटी होती है। सबसे पहले जो बच्चा होता है वो अपने बर्थ के बाद जो भी कुछ सीखता है, सबसे पहले अपने घर से सीखना स्टार्ट करता है, अपने मॉम डैड के थ्रू, अपने दादा नानी के थ्रू। जो भाषा विकास होता है उसमें बच्चे का वहीं से होता है, जो फर्स्ट उसकी प्राइमरी क्लासेस होते हैं या शिक्षा होती है, वो उसकी प्राथमिक शिक्षा किससे होती है? अपने घर के द्वारा। देन वो स्कूल में जाता है, स्कूल में उसको और अच्छे से स्किल्स को अपनी डेवलप करता है ताकि वो लिखना पढ़ना सीख सके। इस घर पे क्या होता है, सिर्फ वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, अनुकरण करता है और इतना सीख लेता है कि उसने जो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा है वो चीज़ें वो खुद भी अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन उस चीज़ को एक सीक्वेंस के रूप में सिखाना या उसको एकेडमिकली सिखाना ताकि बच्चे को सर्टिफिकेट मिले और उसको रिपोर्ट कार्ड मिले, ग्रेड्स मिले, ताकि आगे जाके जब वो फ्यूचर्स में अपना 10th करेगा, 12th करेगा, आगे जाके अपना कोई भी एकेडमिक जो भी सिचुएशंस को सेलेक्ट करेगा कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, वहाँ पे उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए स्टर्नबर्ग ने बोला है कि बच्चे को कोई भी शिक्षा प्रदान की जाए, कोई भी एजुकेशन दी जाए, वो इस रूप में होनी चाहिए कि वो उसकी सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके पर्यावरण से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जो भी उसका एनवायरमेंट है। ओके, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट रिलेटेड नहीं होगी, सोशल लाइफ की नीड नहीं होगी, तो बच्चे को पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको एथिक वैल्यूज सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें मोरल डेवलपमेंट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम मोरल डेवलपमेंट बच्चे के अंदर क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना, ताकि जो हमारी सोसाइटी की नीड है वो बच्चा सीख सके कि किसी के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कैसे एडजस्ट करना है। और अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या सोसाइटी में कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो मुझे वहाँ पे अपना कैसे पार्ट प्रेजेंट करना है, मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना है, बाकियों को साथ में लेकर कैसे चलना है, उनको कैसे सपोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चों को आनी चाहिए। तो इसी रूप में स्टर्नबर्ग ने कहा था कि पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होना तथा समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति करना ही बच्चे की एजुकेशन है, ठीक है। अब इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है घटकीय बुद्धि व विश्लेषणात्मक बुद्धि, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपोनेंटली एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ओके,
इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या बोला था कि बच्चे को अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करके इस रूप में बच्चा अपने आप को प्रेजेंट करे जो उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, चाहे वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, उसकी सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उसके स्कूल से रिलेटेड हो, उसके कॉलेज से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, उन सभी को वो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर उनको हल कर सके, उनको सॉल्व कर सके, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने। ये नहीं कि प्रॉब्लम है उसको फेस करने की बजाय उससे भाग जाए। अगर वो उस चीज़ को फेस नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर मैं आज अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा कोई मैथ्स का कॉन्सेप्ट है या सम है वो सॉल्व कर रहा है, अगर मैं मेरे को कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो इक्वेशंस के अंदर क्या होगा कि आपको जो प्रॉपर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है उसके अंदर आपको प्लस भी करना होता है, माइनस भी करना पड़ता है। मैथ्स के जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे आपको उसके अंदर हल करने पड़ते हैं, सारे सॉल्व करने पड़ते हैं। अगर वो एक भी पॉइंट उसमें गलत कर देगा, मान लीजिए उसने डिवाइड ठीक कर दिया, मल्टीप्लाई ठीक कर दिया लेकिन प्लस गलत कर दिया, तो वो पूरी इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। तो इसीलिए अगर बच्चे के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, दूसरी सॉल्व कर ली और तीसरी सॉल्व नहीं कर पाया, तो उस सिचुएशन में तो वो फेल हो जाएगा ना। तो उसका जो ऑल ओवर डेवलपमेंट हुआ है या फिर उसकी सोसाइटी में जो उसकी नीड है वो क्या होगी, वहाँ पे वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इस हिसाब से जो बच्चे होते हैं कई बार क्या है गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स रखे हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं उसमें है, फर्स्ट ज्ञान अर्जन घटक मीन्स नॉलेज, सेकेंड है अधिघटक मीन्स आपका मेटा कंपोनेंट्स, और थर्ड इसके अंदर है आपका निष्पादन घटक यानी कि परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स। देखिए अब इसके अंदर क्या है, जो बच्चे को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर बताया है फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि बच्चे को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, उसको अपनी सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है और वहाँ पे कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी है अपने माइंड के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग, ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगर मेरी कोई पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है तो उसको क्या है, मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगी ना। शायद कुछ मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैं थोड़ा कन्वर्सेशन करके बात करके उस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट करूँगी। अब ये तो नहीं है ना कि अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या मम्मा पापा से लड़ाई हो गई है वहाँ पे कोई मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाऊंगी या साइंस का लगाऊंगी, वो तो लॉजिकल नहीं है ना। तो इसीलिए जिस टाइप की प्रॉब्लम होगी आप वैसे ही वहाँ पे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो उसके थ्री कंपोनेंट्स दिए गए हैं कि आपको पहले तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम है क्या और आप उसको कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके जो कंपोनेंट्स हैं आपके पास उनको आपको इकट्ठा करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए फैक्ट्स क्या क्या है, सिचुएशंस क्या क्या हैं और प्री प्लानिंग क्या है, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं फर्स्ट उसमें। जैसे आपको कोई भी कोड और डिकोड्स होते हैं, मैथ्स के फार्मूलाज आपको लर्न करने होते हैं, तो वो अगर आपको मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो किस टाइप की इक्वेशन है, वहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। सेकंड है मेटा कंपोनेंट्स, इसके अंदर आता है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वो सीक्वेंस में कैसे लेकर चलना है, उसकी प्लानिंग क्या होगी, आप कौन सा फॉर्मूला वहाँ पे पुट करेंगे। आपके जो फर्स्ट है नॉलेज के अंदर आपको पता होगा कि आपको वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। सेकंड में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है, मतलब अगर आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप किस रूप में किस सीक्वेंस में उसको सॉल्व करेंगे। ये तो नहीं है ना अगर मान लीजिए बोर्ड मार्क्स का आपके पास कोई क्वेश्चन है
जैसे अब आपको बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मतलब आपको इसके ऊपर कोई इक्वेशन दी गई है, कोई सम दिया गया है, तो आपको फर्स्ट उस कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी नॉलेज होगी कि बोर्ड मास होता क्या है. देन आपको ये पता होगा कि हमें इसको किस सीक्वेंस में रखना है. नॉलेज तो पता ही है, पहले ब्रेकेट, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एड, देन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो आप इसको वैसे ही सीक्वेंस में क्या है अपनी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. अब आप ये तो नहीं करते रखते ना कि नहीं मुझे तो मल्टीप्लाई ज़्यादा ईजी लग रहा है, ब्रैकेट थोड़ा टफ लग रहा है, तो मैं पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेता हूँ. बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बोर्ड मास की जो इक्वेशन है वो आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने के लिए बोलती है. देन लास्ट आता है हमारा परफॉर्मेंस. देन आपको अप्लाई करना है, देन मतलब इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, आपको अपनी इक्वेशन सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन पे पहुंचना है. जो भी आपको डिफ़िकल्टी दी गई है कि ये वाली डिफ़िकल्टी है, इसको प्रूव करिए. तो आपको वहाँ पे नॉलेज है, आपने इक्वेशन प्लानिंग करी, सीक्वेंस तय किया, देन आपने उसको सॉल्व किया, देन आप उसके सॉल्यूशन पे लास्ट में पहुँच गए. तो किसी भी कार्य को करना या उसको क्रियान्वित करना, मतलब परफॉर्म करना और अप्लाई करना, इट्स योर लास्ट कंपोनेंट. कि हमें किसी भी चीज़ की अगर नॉलेज है, देन उसको अपने अपने तरीके से पहले प्लान करना, योजना बनाना, सीक्वेंस रेडी करना, देन लास्टली उसको परफॉर्म करना, ताकि हम लास्ट उसके सॉल्यूशन पे पहुंच जाएं. अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है. स्टर्नबर्ग ने फर्स्ट पॉइंट में जो थ्री कंपोनेंट्स दिए थे वो हमने डिस्कस कर लिए. अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है अनुभाविक बुद्धि. अनुभाविक बुद्धि यानी कि आपके एक्सपीरियंसेस. ओके, इसमें क्या है, आपको पता ही चल रहा है अनुभाविक से कि अनुभव होना चाहिए. अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट के बारे में या अभी जो आपके सामने प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं, उससे पहले से ही आप मतलब आपको उसके बारे में पता है, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप अपने अर्ली एक्सपीरियंसेस को अपने न्यू जो प्रॉब्लम है उसके साथ कोरिलेट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. मतलब आपके जितने भी पुराने अनुभव हैं, जो आपके अर्लियर एक्सपीरियंसेस हैं, आपने सीखे हैं, उनको अब की सिचुएशन में ऐड करके उससे हेल्प लेकर आप नई वाली सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको जैसे स्कूटी सीखनी है, किसी बंदे को स्कूटी सीखनी होती है, तो हम उससे फर्स्टली यही पूछते हैं, आपको साइकिल चलानी आती है? क्यों? क्योंकि स्कूटी और साइकिल का जो आपस में रिलेशन है वो किस चीज़ का है, वो है बैलेंस का. अगर आपको साइकिल का बैलेंस करना अच्छे से आता है, आपको हैंडल मैनेज करना अच्छे से आता है, तो आप स्कूटी भी प्रॉपर वे में सीख सकते हैं. तो इसीलिए आपने अर्ली एक्सपीरियंस कहाँ ढूंढे, कि आपने बचपन में जब खेलते होंगे तो वहाँ पे आपने साइकिल चलानी सीखी होगी. तो इसीलिए आपके वो जो 6th 7th 8th क्लास के एक्सपीरियंसेस थे, अब आके आपने 18 साल के बाद जब स्कूटी सीखना चाह रहे हैं, तो आपके वो अर्ली एक्सपीरियंसेस आपके यहाँ पे काम आएंगे कि आपको साइकिल चलानी आती है, तो देन आप आज स्कूटी सीखने की सिचुएशन में है, क्योंकि वहाँ पे सारा काम बैलेंस का है. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में यही बोलता है कि अनुभाविक बुद्धि होनी चाहिए. स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग बच्चे को इस रूप में रखना चाहिए, ताकि उसके अर्लियर एक्सपीरियंसेस वो जितने भी सीख चुका है, वो अपने न्यू एक्सपीरियंस करने के लिए जब उसको हेल्पफुल हो सके, उसको पता हो सके कि ये चीज़ें मेरी कहाँ पे यूज़ होगी. कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि लाइक उन्होंने आता उनको सब कुछ है, सारी चीज़ें सीख लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका यूज़ मैं कब कहाँ पे कर सकता हूँ. अगर उनको बच्चे को पता होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आर्ट साइड का स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स साइड का है, कोई आपकी साइंस साइड का स्टूडेंट है, उन्होंने ये जो भी इसका सिलेक्शन किया होगा आफ्टर 10th क्लास के बाद, तो उन्होंने क्या होगा, उनको ये नहीं पता कि इनका फ्यूचर आगे क्या है, इससे मुझे कौन कौन से स्कोप्स आगे मिलेंगे जिसमें मैं अपना अकेडमिक रूप से परफॉर्म कर सकता हूँ, या अपना वोकेशनली चूज़ कर सकता हूँ, अपना व्यवसाय, अपना जॉब वगैरह. तो इसलिए बच्चों को उस टाइम पे पता नहीं होता. क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कराई जाती कि आपको यहाँ पे इस फील्ड से आपके ये स्कोप मिलेंगे, इस फील्ड से ये. बस उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं. कई बार ये ऐसे होता है वो फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग ही चूज़ कर लेते हैं. मान लीजिए किसी स्टूडेंट की बहुत अच्छी परसेंटेज आई है,
किसी की नॉर्मल आई है या वो ठीक है आर्ट्स और कॉमर्स के बीच में से कोई एक चुन सकता है। मेरा फ्रेंड कॉमर्स साइड में गया तो दूसरा भी कहेगा कि मैं भी कॉमर्स साइड में चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसने उसको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि वो आगे कॉमर्स के क्या स्कोप है, आर्ट्स के क्या स्कोप है और साइंस के। उसने तो बस फ्रेंडशिप देखी और उसने वो चूज़ कर लिया कि मैं तो अपने दोस्त के साथ रहूँगा कि मुझे कॉमर्स साइड ही पढ़नी है। बहुत बार देखा होगा आपने ये चीज़ें। तो इसीलिए बच्चे कई बार ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिनके उनको उनकी नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता कि आगे चल के इसके क्या क्या स्कोप्स है, तो वो मज़े में वो चीज़ कर देते हैं। लेकिन बाद में जाके जब उनको आगे ये सारी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई भी जो अपनी स्ट्रीम चूज़ की होती है वो भी एज अ टाइम पास की होती है, पढ़ाई भी टाइम पास की होती है, तो आगे जाके उनको अपना करियर सेट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए बच्चों को पता होना चाहिए कि जो उसके प्रीवियस नॉलेज है या अर्लियर एक्सपीरियंसेस है वो उसको नए एक्सपीरियंस के साथ कैसे कोरिलेट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और इसमें हमारा थर्ड पॉइंट इस टर्म बनने दिया है लास्ट, संदर्भिक बुद्धि। यानी कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है संदर्भिक बुद्धि यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसके अंदर स्टर्न बर्न ने बोला है कि बच्चे क्या जो भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसको शॉर्ट आउट करने के लिए बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो क्यों सीख रहा हूँ और किस लिए सीख रहा हूँ। ये नहीं कि उसको सिर्फ अकेडमिक रिकॉर्ड ही बनाना है अपना, मैंने मैथ सीख लिया, साइंस सीख ली, SST पढ़ ली, सब चीज़ की नॉलेज हो गई और मुझे स्कूल में क्लास में मैं टॉप पर हूँ, मुझे 100 में से 90 मार्क्स मिल रहे हैं, 100 out of 100 मिल रहे हैं, बस मेरा काम ख़त्म। उसको वो चीज़ अपनी सोसाइटी, अपना एनवायरनमेंट और अपनी डेली लाइफ से भी कनेक्ट करना चाहिए कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है तो उसका क्यों यूज़ है। उसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि हाँ ये चीज़ होती भी है एक्चुअल में या नहीं, या सिर्फ किताबी भाषा है। अब जैसे साइंटिफिक मेथड वो होते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि बारिश क्यों होती है, मौसम परिवर्तन क्यों होता है, वेदर चेंज क्यों होते हैं और ये दिन रात क्यों बनते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है। बच्चा पढ़ता तो है लेकिन उसको ये चीज़ अपनी डेली लाइफ में भी देखनी चाहिए कि कैसे कैसे मौसम चेंज होते हैं। ये नहीं कि बस दिन रात देखा कि हाँ निकल रहे हैं, दिन भी निकल रहे हैं, रातें भी निकल रही हैं, वेदर बारिश आ गई, इसको इंजॉय किया, ख़त्म। नहीं, उसने ये चीज़ अगर पढ़ी है बच्चे ने कि हाँ वेदर चेंज होता है, कि बारिश भी आती है, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, इस तरह के वेदर्स आते हैं, तो उसको नोटिस करना चाहिए कि वो किस किस टाइम पे आ रहे हैं, कितने कितने टाइम पीरियड के लिए आ रहे हैं, 2 महीने 3 महीने, और किस किस टाइप का वेदर आ रहा है। बीच बीच में कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे रहते हैं कि जैसे हमें भी नहीं पता होता, जैसे पतझड़ का मौसम आता है और सावन का मौसम आता है और ये सारी चीज़ें क्या है हमें पता ही नहीं होता, बस वो अगस्त और जून जुलाई के महीने पता होते हैं कि हाँ इस बीच में आएगा, लेकिन कब आएगा, कितने दिनों तक आएगा, वो चीज़ें नहीं पता होती क्योंकि हम कभी नोटिस ही नहीं करते हैं, सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, बात ख़त्म। तो इसीलिए स्टर्न बर्न ने बोला है कि लास्टली बच्चों को संदर्भिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो अपने जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सके, प्रैक्टिकली उनको देख सके, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सके, खुद भी किसी और को इतना नॉलेज गेन करने के बाद बता सके कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और आप इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व शॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये वाली छोटी सी थ्योरी है यहाँ पे, बस इसके 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसका नाम याद रखना। और लास्ट किसने दिया था, हमारे रॉबर्ट स्टर्नबर्न ने दी थी ये वाली थ्योरी, और 3 कंपोनेंट्स है, फर्स्ट के भी की पॉइंट 3 थे, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।